फिट इंडिया फ्री रन टू रन के तहत आज समस्तीपुर मंडल के जनरल आर्मी विभाग के कर्मी तथा उनके परिवार के सदस्यों ने वॉक रन तथा योगा भास्कर फिट रहने के मंत्रों का आगाज प्रचार किया। दूध के लिए दुकानों की दिन भर लगाते रहे दौर। महत्वपूर्ण पर्व के मौके पर गुरुवार को सुधा दूध की आपूर्ति नहीं किए जाने से बाजार में दूध को लेकर हाहाकार मचा रहा। दूध की खरीदारी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह के लोग दौड़ लगाते रहे। देर शाम तक दूध आ जाने की उम्मीद में बड़ी संख्या में लोग बाजारों में भटकते रहे, लेकिन अंत में उन्हें दूध नहीं मिला। डीएमसीएच में एक भी बच्चे में कोरोना के लक्षण नहीं। डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में ब्राइकोलाइटिस के मरीजों में रोजाना इजाफा हो रहा है। 15 मरीजों के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं स्वस्थ होकर इतने ही बच्चे घर लौटे। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए मदर्स चेन में भी उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले एक मजदूर के बैंक अकाउंट में 10 महीने के अंदर 1.25 करोड़ रुपए आने से हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि जिस मजदूर के बैंक अकाउंट में इतने रुपए आए हैं, वह महाराष्ट्र के नागपुर में लखानी फ्लाई ओवर ब्रिज में मजदूरी करता है। हाजीपुर के सदर अनुमंडल अंतर्गत समाहरणालय परिसर स्थित एसपी ऑफिस में भीषण आग लग गई है। आग लगी की इस घटना में भारी नुकसान हुआ है। ऑफिस में रखे लैपटॉप, कंप्यूटर, पंखा और बहुत सारे महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए हैं। मौके पर दमकल की गई गाड़ियों को बुलाया गया है। कुशेश्वर स्थान के गांव में हर दिन जिंदगी नाव से शुरू, नाव पर ही खत्म। घर में बाइक साइकिल हो न हो, नाव जरूर है। बच्चा बच्चा नैया खेलने में होते हैं उस्ताद। आधे साल से ज्यादा पानी से घिरा रहता है ये गाँव। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के 11 व 12 सितंबर को होने वाले प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर समीक्षा बैठक सांसद गोपाल जी ठाकुर, आपदा प्रबंधन पुनर्वास समिति के संयोजक सौ एमएलसी डॉक्टर अर्जुन सैनी, नगर विधायक संजय सरावगी, क्योटे विधायक मुरारी मोहन झा, हयाघाट विधायक रामचंद्र शाह ने किया। पंचायतों में खत्म नहीं हो रहा मुखिया पति वाला कॉन्सेप्ट। रितु जायसवाल ने कहा, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित होने के बावजूद मुखिया पति का ही जोर। सुधा वर्गीज बोली, महिलाएं सुरक्षा के लिए क्या कर रही है सरकार। बेगूसराय में बच्चों से भरी बोलोरो तालाब में पलटी। 12 छात्रों को लेकर जा रही थी गाड़ी, हो गई अनियंत्रित। हादसे में 7 गंभीर, ड्राइवर फरार, लोगों ने बचाई जान। पटना में स्वाइन फ्लू का खतरा, फुलवाड़ी में एक संक्रमित की मौत। पारस हॉस्पिटल में 2 मरीज भर्ती, H1N1 वायरस की पुष्टि। लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली। बेगूसराय में अपराधियों ने घर घुसकर की लूटपाट की कोशिश। युवक ने विरोध किया तो दाग दी गोली, हालत गंभीर। पटना में क्रिकेटर बनकर आए गणपति, मूषक बना बॉलर। बप्पा की मूर्तियों ने दिलाई पिंटू प्रसाद को अलग पहचान। 14 अगस्त को नृत्य करते बाल गणेश की मूर्ति पर नेशनल अवार्ड देने की घोषणा हुई। गोपालगंज में तेजस्वी ने 500 के नोट बांटे। हम लालू यादव के बेटे हैं, यह कहते हुए महिलाओं को नोट दिए। जेडीयू ने कहा, शर्म करो बबुआ। आरजेडी प्रवक्ता बोले, इसमें गलत क्या है। असम तेजपुर दिल्ली से दरभंगा पहुंच एसएसबी जवान तकरीबन 100 अलग अलग जगहों से रैली में होंगे शामिल। 40 दिन के यात्रा में तकरीबन 24,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जवानों ने निकाली साइकिल रैली। 2 अक्टूबर को दिल्ली राजघाट पहुंच होगा समापन। फिट इंडिया मूवमेंट सहित स्वच्छता अभियान, वैक्सीनेशन के साथ कई जनहित मुद्दे। देश हित के लिए लोगों के बीच जन जागरण भी फैला रहे हैं जवान। सांसद ने झंडा दिखाकर दरभंगा से जवानों को किया विदा। डीएमसीएच का व्यवस्था फेल, बच्चों को कैसे बचाएंगे ये डीएमसीएच। वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों से बेड फुल, एक बेड पर 2-2 बच्चों का हो रहा है इलाज। तीसरी लहर की आशंका को लेकर शिशु वार्ड में किया है तैयारी, जब वायरल बुखार में ही सिस्टम हो गया फेल।